तो काफी लोग आ गए हैं। आदित्य बल्लाल कैसे हो? मैं हाँ सर, मस्त। तो आप कैसे हो? ओके, तो अभी ओके है ना? सभी स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों हाँ सर, को? ठीक है, चलो हाँ बेस्ट। तो सर, देखो, प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोगों ने कवर कर लिया था। प्रॉपर्टीज के अंदर एंगल बिटवीन प्लेन्स वो भी हो गया था। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे डॉट जीरो है तो पैरेलल आता है, पैरेलल का रेशियो और सेम है तो परपेंडिकुलर आएगा। वहां परपेंडिकुलर उल्टा केस होता पे उल्टा हो जाता है एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स ये सब भी हम लोगों ने स्टडी कर ही लिया था। ठीक है, किसी रेशियो में किस तरीके से आप डिवाइड करते हो वो भी हो गया था। प्लेन्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो गए थे। हम लोग लास्ट पॉइंट पे आ गए परपेंडिकुलर थे, पी वन प्लस लैम्डा पी टू इज इक्वल टू जीरो, उस पर हम लोग बेसिकली क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक वगैरह। है, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ पी वन इज इक्वल टू जीरो एंड पी टू इज इक्वल टू जीरो, तो क्या इक्वेशन आता है इसका बोलो। P1 P1 प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा पी टू P2 इज इज इक्वल्स टू जीरो। करेक्ट, पी वन प्लस लैम्डा पी टू इज इक्वल टू जीरो, और फिर उसको जो एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन होती है कि ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो आप अप्लाई कर देते हो, उससे फिर लैम्डा का वैल्यू आ जाता है। डन। इसके ऊपर कल हम लोगों ने टू क्वेश्चंस किए थे, अभी भी और क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर। एग्जाम्पल लिखो आप। P1 इज दिस 2x प्लस y प्लस z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड P2 इज 3x माइनस y प्लस जेड प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ पी वन इज इक्वल टू जीरो एंड पी टू इज इक्वल टू जीरो सच दैट P1 इज इक्वल टू जीरो एंड P2 इज इक्वल टू जीरो सच दैट। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, पासेस थ्रू ओरिजिन। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साइन डिफरेंट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आर इक्वल विथ साइन। फोर्थ पॉइंट, इट इज पैरेलल टू द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। ये क्वेश्चन है। और भी पार्ट है इसके अंदर, करते हैं एक बार, पहले इतना नोट करो।
तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है, जस्ट आपको क्या लिखना है, पी वन प्लस लेमडा पी टू इज इक्वल टू जीरो। जीरो। और इसको पास कहां से करोगे, जीरो कॉमा जीरो कॉमा ओरिजिन्स जीरो, करेक्ट है। तो ये हो गया माइनस फोर प्लस टू लेमडा इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू टू। सेकेंड क्वेश्चन मत पुट करो वापस यार, है ना, छोड़ सकते हो यहाँ। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हाँ, तो एक बात मेरे को आप इतना बताओ कि यार इसमें जैसे सपोज करो ये प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है, तुम चाहो तो एक्स और वाई को सेपरेट भी कर सकते हो यहाँ पे, तो दिस विल बी टू प्लस थ्री लैम्बडा एक्स, वन माइनस लैम्बडा वाई, वन प्लस लैम्बडा जेड, माइनस फोर प्लस टू लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो। आदित्य तुम बताओ एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं? एक्स इंटरसेप्ट, हाँ, वाई और जेड कितना पुट कर दोगे? जीरो जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू लैम्बडा अपॉन टू प्लस थ्री लैम्बडा, सिंपल है। वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करोगे बोलो? एक्स एक्स जीरो जीरो। वाई इज इक्वल टू फोर माइनस टू लैम्बडा अपॉन वन माइनस लैम्बडा, करेक्ट है। अच्छा ये दोनों क्या गिवन, अच्छा क्वेश्चंस नोट किए ना आपने, ये रफ कर दूं ये वाला क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ सर। तो सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये कि दोनों पे मॉड अप्लाई करोगे फिर इक्वल करोगे। ओके कर देते हैं, तो फोर माइनस टू लैम्बडा अपॉन टू प्लस थ्री लैम्बडा मॉडुलस इज इक्वल टू फोर माइनस टू लैम्बडा अपॉन वन माइनस लैम्बडा, बोलते जाओ यार रुको मत, सब सिंपल ही है। प्लस माइनस फोर माइनस टू लैम्बडा अपॉन वन माइनस लैम्बडा, ये क्या हो गया? कैंसिल। जब भी कैंसिलेशन करोगे साइड में क्या लिखते हैं हम लोग? जीरो। लैम्बडा इज इक्वल टू तो बेसिकली लैम्बडा इज इक्वल टू टू पे जो इंटरसेप्ट आ रहे होंगे ना वो जीरो आ रहे होंगे। मतलब वो प्लेन कहां से पास करेंगे एक्चुअल में? हाँ करेक्ट, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि टू प्लस थ्री लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन माइनस लैम्बडा। एक बार प्लस साइन यूज कर रहा हूं मैं, तो प्लस यूज करोगे तो दिस विल बी फोर लैम्बडा और माइनस थ्री, लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस फोर बाय थ्री। एक बार नेगेटिव साइन यूज करो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि टू लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू। टोटल कितने वैल्यूज पॉसिबल है लैम्बडा के? इफ क्वेश्चन इज नॉन जीरो इंटरसेप्ट then lambda will be minus 4 by 3 and minus, correct? हाँ ठीक है, note करो इसको, fast note करो थोड़ा सा, next question करते हैं। यार एक बात, तुम लोगों को ये स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखता है ना? हाँ सर। ठीक है फिर ये नोट कर लो, सिंपल क्वेश्चन है।
तो ध्यान रखना मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड गिवन था क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे मोड यूज कर रहा हूँ, ठीक है सर। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन अब करें अभी। आपने ये पॉजिटिव में शायद गलती की, प्लस वाले में क्या? हाँ ये वन इधर जाएगा तो ये बोल रहे हो माइनस वन आएगा वो एक्चुअली। हाँ माइनस वन बाय फोर, माइनस वन अपॉन फोर, हाँ फोर लैम्डा, हाँ सही माइनस वन अपॉन फोर एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा आप लोगों का। थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन बोलो। दिस पैरेलल वेक्टर आई कैन जे के माइनस 2 बेटा। बेटा वो नहीं था थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये था कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट साइन के में, साइन 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 के साथ के में। हाँ तो इसका मतलब अभी आप मॉड अप्लाई मत करो, नहीं डायरेक्टली करो, डायरेक्ट सेंड करोगे तो एक तो ये कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड एक बार ये दोनों इक्वल, सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस वन बाय फोर, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है बेसिकली कि एक प्लेन और एक वेक्टर पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लेन और एक लाइन पैरेलल है, तो क्या करोगे बोलो? सर डॉट जीरो, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका नॉर्मल डिफाइन होता है, बिल्कुल करेक्ट है, तो डॉट जीरो करोगे। सो दिस इज 2 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू इंटू माइनस 2, करेक्ट इज इक्वल टू 0, 0 डन। सो दिस इज 3 लैम्डा माइनस लैम्डा और माइनस 2 लैम्डा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया एक्चुअली, हाँ लैम्डा ही नहीं रहा, हाँ ये हो गया अभी 2 और प्लस 1 3 और माइनस 2 यानी कि प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं सर, नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये वेक्टर कभी पैरेलल नहीं हो सकता इसका। डन बेटा सुनो, नहीं होता ऐसा, जीरो इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये कि लैम्डा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जीरो इज इक्वल टू जीरो तो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट हो गया ना। जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये बताओ सन का ईस्ट में आना एक्स पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, तो जीरो का जीरो के इक्वल आना एक्स पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं नहीं, इसका मतलब तब आंसर आएगा लैम्डा बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट एग्जांपल,
ये क्वेश्चन नेक्स्ट है. अगेन सेम प्लेन्स गिवन है आपको. फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 सच दैट. फर्स्ट क्वेश्चन कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होना चाहिए. टू यूनिट्स. तो सबसे पहले तो वही लिखोगे P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू जीरो. तो ये हो गया अभी 2 प्लस 3 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा y 1 प्लस लैम्डा z माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो. और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ रहा है बोलो. 2. करेक्ट है. तो डिस्टेंस फॉर्म में लगा दो तो 0 0 0 पॉइंट पुट करोगे. समझ रहे हो ना. हां सर. अपॉन अंडर रूट ऑफ ध्यान का मॉडल भी आएगा यहाँ पे ना. 2 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर. करेक्ट. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर. उसके पहले ये 2 और 2 कैंसिल कर रहा हूँ मैं. तो ये हो गया माइनस 2 प्लस लैम्डा. हाँ सही है. यानी लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर और 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर. देखो विद इन वन स्टेप काउंट करते हैं. 9 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और 1 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल. तो ये हो गया टोटल 10 लैम्डा स्क्वायर. अब जल्दी से लैम्डा काउंट कर लो. राइट साइड काउंट कर लेते हैं पहले क्योंकि मैं सारे टर्म्स को राइट साइड लेके आ रहा हूं. ध्यान रखना. इधर कितना आएगा 2 3 एंड 2 यानी कि 12 लैम्डा. 12 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा यानी कि 10 लैम्डा. 10 लैम्डा लैम्डा यानी कि फिर से 12 लैम्डा. 12 लैम्डा हां. यहां पे आएगा माइनस 2 लैम्डा. राइट में लेके आओगे तो प्लस 4 लैम्डा यानी कि 16 लैम्डा. 14 हां 16 लैम्डा. कांस्टेंट 4 5 6 और माइनस 5 यानी कि 2 प्लस 2. करेक्ट है. प्लस टू बेटा प्लस टू. इधर हमेशा काफी शोर आ रहा है यार. प्लीज मेरा नहीं. मैंने पंखा बंद कर दिया. पंखा तो ठीक है. दिग्विजय कोई डाउट है तो मैं. दिग्विजय नहीं सर. बेटा ये तुम्हारे थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा. सॉरी सर. सॉरी सॉरी. हाँ भाई. तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है. जो होस्ट होता है ना तुम लोग कभी होस्ट बन के देखना तो किसी के यहाँ से भी थोड़ा साउंड आता है तो वो पॉप अप करता है वहाँ पे दिखाता है. 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी. अरे यार प्लीज बंद कर लो यार. लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 एसी. 64 माइनस 20 यानी 44 अपॉन 2 10. तो ये हो गया माइनस 4 प्लस माइनस रूट 11 अपॉन 5. समझ गए. हाँ सर. ये लैम्डा के वैल्यूज आ गए. कई बार यहाँ पे क्या होता है डी जीरो आ जाता है. इसका मतलब ओनली 1 लैम्डा विल बी पॉसिबल. समझ गए. कई बार डी नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब नॉट पॉसिबल. और अभी क्या था इस क्वेश्चन में डी. ग्रेटर देन जीरो. फिर से बोलता हूं यहां पे डी ग्रेटर देन जीरो था मतलब टू वैल्यूज. सपोज करो डी इज इक्वल टू जीरो आ गया मतलब ओनली 1 लैम्डा. सपोज करो डी नेगेटिव आ गया मतलब कोई लैम्डा पॉसिबल नहीं. बस ये पॉइंट नोट कर लो इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अच्छा प्रोजेक्शंस वगैरह हो गए थे लाइन के. हां सर हो गए. प्रोजेक्शन और रिफ्लेक्शन. तो तीनों केस बता दिया था मैंने. इंक्लाइंड पैरेलल और परपेंडिकुलर. हाँ सर. ओके
बस अच्छा है, स्टडी कंप्लीट हो जाएगा अपना। सर संडे का सिलेबस क्या है? संडे का सिलेबस है वेक्टर एंड 3D कंप्लीट। वेक्टर्स एंड 3D कंप्लीट। मतलब कल टेस्ट नहीं है क्या बोल रहे हो? कल नहीं है, टेस्ट नहीं है। इसको रफ करो जल्दी से यार, मैं रिमूव करता हूँ इसे। कोई डाउट है बोलो किसी को। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बताओ। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 1, 2, 3। हाँ, एट मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब वो प्लेन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 100%। ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन से बताया था वैसे। हाँ सर, मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर। हाँ, ये नोट हो गया पूरा? हाँ सर। सिद्धरामेश दिमाग तुम थोड़ा सा और मेहनत करो यार, तुम्हारा दिमाग ठीक चल सकता है। और थोड़ा बैकग्राउंड में तुम्हारे काफी शोर आता है, लेकिन उसको कम कर लो यार बस। हाँ, तो अभी क्वेश्चन ये है कि देखो तुम इस चीज समझने का ट्राई करो यार। जैसे ये टू प्लेन्स है, यहाँ पे सपोज करो पॉइंट है 1, 2, 3 और इन प्लेन के इंटरसेक्शन से काफी सारे प्लेन पास हो रहे हैं। यहाँ पे पास हो गया तो दो प्लेन ऐसे पास हो गए, तो ये डिस्टेंस आ गया। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो। ऐसे प्लेन आ गए तो सिमेट्री से ये डिस्टेंस 4 है, तो ये डिस्टेंस भी 4 हो गया। और होगा हाँ। तो मैक्सिमम कब आएगा डिस्टेंस? जब ये प्लेन इसके जस्ट परपेंडिकुलर बन जाएगा। परपेंडिकुलर तो मैक्सिमम डिस्टेंस आने वाला है, बाकी हर केस में डिस्टेंस कम ही आएगा फिर। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है क्या? ओके, अब सुनो ध्यान से। ठीक है, तो हमको करना है कुछ नहीं, परपेंडिकुलर करना है जस्ट। ये पॉइंट था 1, 2, 3। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग, बाद में निकलेगा वो भी। अभी तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि प्लेन की इक्वेशन ही नहीं पता ना अभी तो मेरे को। लैम्ब्डा नहीं पता। लैम्ब्डा नहीं है इसलिए हमारे पास। अब लैम्ब्डा के लिए क्या करें हम लोग बताओ। देखो एक काम ये कर सकते हो, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर है आपके पास 2+3λ, 1-λ, 1+ हाँ, लेकिन इसके डीआर नहीं पता हम लोगों को यार, क्योंकि इसके डीआर पता हो सकते थे यदि इस पे 2 पॉइंट्स होते तो। लेकिन नहीं है, क्या करें फिर? अभी इसके लिए हम लोगों को क्या है, ये लाइन फाइंड करना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन लाइन, क्योंकि टू प्लेन से क्या बनता है एक लाइन बनता है। हाँ, तो उस लाइन के डीआर कैसे निकालते हैं बताता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, इतना लिख लो बस, परपेंडिकुलर है ये। रफ करो अभी पूरा ये। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, ये बेसिकली प्लेन्स का लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट लिखोगे
या हेडिंग करके लिखते हैं ना। लाइन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, डन, मतलब टू प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन पास हो रहा है। चाहो तो थोड़ा डायग्राम भी बना सकते हो इसका आप इजीली। ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर होना कंपलसरी नहीं है, अरे ना इस लाइन की बात कर रहे हैं। ये डायग्राम अच्छा बना है ये, है ना, खराब डायग्राम तो नहीं बना है। हाँ, तो इस लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रहा है ना, ये इस लाइन की। ओके, ये है प्लेन P1 is equal to zero, this plane is P2 is equal to zero। मेरे को आप इतनी सी बात बताओ कि जो P1 का नॉर्मल है, क्योंकि P1 की इक्वेशन में नॉर्मल ही होता है, तो इस प्लेन के ऊपर कोई भी लाइन है, जैसे तुम्हारी फर्श को देखो, उस पर कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, वो लाइन डेफिनेटली उस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। ऐसे ही ये लाइन इस P2 में भी लाई कर रही है, मतलब ये लाइन P2 के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है। दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर ऑफ P2 P1 एंड, इसको मैं N1 बोल रहा हूँ, यार चलता है, एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ P2 तो इसका मतलब इस लाइन की dr तुम फाइंड कर सकते हो इजीली। कैसे बताओ, n1 क्रॉस n2, क्योंकि ये जो लाइन है बेटा, ये दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है ना, तो टू वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस करके ही करते हैं ना, क्रॉस करके। हां, ये नोट करो, एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा एक चीज ये भी सुन लो, ये ना, ये नोट हो गया आपका इतना, करो करो करो, ऋषिकेश क्लियर हो गया ना, की लाइन दोनों के नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर है। अब जैसे ये पॉइंट समझो आप, है ना, एसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ प्लेन्स, ये जो इस तरीके से गिवन होता है आपको, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ प्लेन। बाकी इससे प्लेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंट लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ
हाँ, और उस लाइन के बारे में मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको इन दोनों से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है हम लोगों को. ठीक है, ये नोट कर लो, एक काम करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ. अरे प्लेन का इक्वेशन नहीं, ये मत कर देना इसको लेफ्ट साइड लाके जीरो कर दो राइट साइड में ना, ऐसा मत कर देना. हाँ वो मत करना यार, है ना. क्वेश्चन है अभी ये, कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ. तो बेसिकली हम लोगों को क्या फाइंड करना है, लाइन की इक्वेशन. बस वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन. Passing through intersection of 2x plus 3y plus z plus 4 is equal to 0 and x plus 4y plus 3z minus 11 is equal to 0. हाँ, मंगा समझ में आ रहा है ना. हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. ओके डन. तो ये मैं रफ करता हूँ भी राइट वाला पोर्शन, स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन से जो लाइन पास हो रहा है आपको उसका इक्वेशन फाइंड करना है. अच्छा, ये दोनों प्लेन क्या बोलते हैं, पैरेलल वगैरह है क्या? नहीं है. कोफिशिएंट रेशियो में प्लेन पे डॉट भी जीरो आ रहा है. तो ये बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन्स है. हाँ, तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए टू पॉइंट्स चाहिए हम लोगों को, एक तो पॉइंट और एक उसका डीआर. वी नीड डीआर फाइंड करो. सही बात है, अ पॉइंट एंड डीआर ऑफ लाइन. तो देखो डीआर तो इजीली आ जाएगा, एन वन वेक्टर क्या क्रॉस करने से मिल जाएगा, टू आई कैप, थ्री जे कैप और के कैप. एन टू वेक्टर है यहाँ पे, I cap, 4 J cap और 3 K cap. Line will be perpendicular to both N1 and N2. तो I J K 2 3 1 4 3 1 4 3 तो कितना आ गया ये 5 cap माइनस फाइव के कैप और 8 माइनस 3 यानी कि 5 प्लस 5 के कैप के कैप. तो तुम बेसिकली 1 माइनस 1 1 भी यूज कर सकते हो क्योंकि डीआर है बेटे, डीआर तो कुछ भी लिख सकते हो ना. हां सर, डायरेक्शन कोसाइन होता तो उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कर लेते. हां चलो, ये तो आ गया लाइन का डायरेक्शन आ गया. अब क्या फाइंड करना है हम लोगों को, एक पॉइंट. इन दोनों के इंटरसेक्शन से लाइन बन रही होगी, उस लाइन पे इनफिनिट पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई भी एक पॉइंट फाइंड करते हैं. अब देखो कोई भी एक पॉइंट फाइंड कैसे करते हो ना आप भाई, जैसे एक बात बताओ मेरे को, 2D जो लाइन होती है वो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी जाती है. हाँ, तो बीच में 0 भी आता होगा. ऐसे इसके अंदर भी तुम एक काम करो, कोई भी वैल्यू 0 पुट कर दो, या 1 पुट कर दो, या 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो. तो सपोज करो मैं z पुट कर रहा हूँ 0, तो ये हो गया अभी 2x plus 3y plus 4 is equal to और x plus 4y plus sorry minus 11 is equal to 0. ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके करते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा b 8 minus 3 यानी कि 5y minus 5y और ये आएगा
minus 22 minus 4 minus 26 mm. Any y is equal to 26 by 5 x is equal to तो x आ गया है अभी कितना माइनस 49 अपॉन 10 बस ये सॉल्व हो गया पॉइंट आ गया आपको अब एक चीज ध्यान रखना देखो होता क्या है ना तो एक बार नोट करो बताता हूँ एक बार नोट करो ये समझ में आ गया तुम लोगों को हाँ सर x is equal to आ रहा है 49 upon 10 आ जाता है x is equal to वैसे तुम्हें एक बात बताऊं मैं ये जो पॉइंट आप फाइंड करते हो ना जनरली क्वेश्चन में नहीं ऑप्शंस में नहीं होता है नहीं उस लाइन के ऊपर क्या एक ही पॉइंट है क्या नहीं इनफिनिट बहुत सारे तो एक चीज ध्यान रखो ऑप्शन मैच करना पड़ता है ऑप्शन में सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर वाला dr चेक कर लेना और ऊपर हर इक्वेशन में पॉइंट गिवन होंगे x माइनस समथिंग y माइनस समथिंग z माइनस समथिंग वो पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस में रख के चेक कर लेना समझ गए क्वेश्चंस करते हैं क्वेश्चंस करते हैं क्लियर क्वेश्चंस करते हैं मंगल क्या डाउट है सर ये पॉइंट्स के नीचे से थोड़ा सा पॉइंट के नीचे बेटा ये पॉइंट है देखो लाइन का डीआर आ गया हाँ अब या तो आप उस लाइन के ऊपर कोई भी टू पॉइंट्स फाइंड कर लो या फिर हम लोगों ने क्या किया एक तो डीआर फाइंड किया और एक पॉइंट फाइंड कर रहे हैं अभी तो पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो कोई भी एक वेरिएबल एक्स या वाई या जेड कोई भी कुछ भी पुट कर दो 1 2 3 4 5 6 0 कुछ भी पुट कर दो मेरे को 0 इजी लग रहा था तो मैंने 0 पुट किया तो ये दो इक्वेशंस आ गए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y फाइंड कर लो मतलब दिस 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 कॉमा दिस कॉमा दिस उन दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो उस लाइन पे होगा ना इंटरसेक्शन लाइन पे सर लेकिन ये लाइन की इक्वेशंस किधर से लिया आपने लाइन की इक्वेशन कहां ली है ये तो प्लेन की इक्वेशन ली है मैंने फर्स्ट उसमें z इज इक्वल टू 0 पुट किया है ठीक है ठीक है अभी मैं ये भी बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट आपको ऑप्शन में गिवन हो वो चेक करना पड़ता है देखना पड़ता है मैच करना पड़ता है ओके हाँ क्वेश्चंस करेंगे अभी बताता हूँ तुम्हें टेंशन मत लो कैसे करते हैं
ठीक है, नोट हो गया ये? हाँ सर हो गया। अच्छा ये बताओ, वो क्वेश्चन हो गया था कि फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन अलोंग विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अकर्स। तो उसमें एक लैम्बडा पुट करते हैं, म्यू पुट करते हैं, माइनस करते हैं और फिर कोफिशिएंट्स के रेशियो को एक पर करते हैं। हाँ सर बताया था, वो क्वेश्चन हो गया था? ठीक है हो गया था यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, मैं क्या हो गया था। ओके देखो एक बार वो क्वेश्चन देख लो यार, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन अलोंग विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अकर्स। देखो नोट्स में अपने होगा वो क्वेश्चन। अच्छा एक पॉइंट नोट करके ये भी लिख लो यार प्लेन में, क्योंकि प्लेन का एंड हो गया है अभी, इसके बाद स्फीयर आता है, तब तक एक नोट और बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को देख के मेरे को एक नोट याद आ गया, इस क्वेश्चन को देख के, इस क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या लिखा हुआ है एक बार। इफ टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन ओरिजिन इफ अ प्लेन कट्स देम एट अ डिस्टेंस एबीसी एंड ए डैश बी डैश सी डैश फ्रॉम द ओरिजिन, then इसमें होता क्या है ना, इसमें 1 upon a1 square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is equal to आता है 1 upon a dash square plus 1 upon b dash square plus 1 upon c dash square। क्या आएगा इसमें c, या फिर तुम इसमें से भी समझ सकते हो। ये क्वेश्चन एक्चुअली इस तरीके से आता है, बताता हूँ मैं तुम लोगों को, ये नोट करके लिख लो यार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे यार ये रबर को क्या हो गया, ओके ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, नोट करके लिखो। अ प्लेन हैविंग एक्स वाई एंड जेड इंटरसेप्ट्स ऑन एस ए कॉमा बी एंड सी if this plane is rotated about origin, किसके अबाउट रोटेट कर रहे हो आप इसे? ओरिजिन। हाँ यार रोटेशन में आपको बोलना पड़ता है कि किसके अबाउट रोटेट कर रहे हो। जैसे सपोज कर एक ब्लैक बोर्ड है, उसको एक कॉर्नर के अबाउट रोटेट करो या मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट करो, तो सारी चीज डिफरेंट है ना। हाँ सर। About origin, then new intercepts are a dash, b dash and c dash। ये एक काम करते हैं, a1 b1 c1 लिख लेते हैं, तो मेजी रहेगा a1 b1 एंड c1। देन अभी ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। इसका रिजल्ट एक्चुअली हम लोग हाइपरबोला में करते हैं, क्योंकि लाइन वगैरह को रोटेट वहीं करते हैं। यार ये थोड़ा मिस्टेक हो गया एक्चुअली, इसमें प्लेन को रोटेट नहीं करते हम लोग, ये एक्सिस को रोटेट करते हैं हम लोग। किसे रोटेट करते हैं? एक्सिस को रोटेट, मिड लाइन चेंज करो एक्चुअली, इसको लाइन को चेंज करो थोड़ा सा। अ प्लेन हैविंग एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट्स आर एस ए बी सी इफ एक्स y and z axis, या फिर आप बोल सकते हो complete system if rectangular axis
आर रोटेटेड बाई एंगल थीटा देन न्यू इंटरसेप्ट्स आर A1, B1, C1. हाँ तो देखो बेटा रिलेशन ये होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन C1 स्क्वायर. हाँ ये आपको डायरेक्ट माइंड में होना चाहिए. इसका मैं तुम्हें 2D में विजुअलाइजेशन बता देता हूँ. 2D में भी ऐसे ही होता है. एक लाइन है तो वहां पे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर. हाँ जैसे सपोज करो ये स्टार्टिंग में प्लेन्स थे, ये लाइन है, प्लेन को अभी थोड़ा सा रोटेट कर दो आप, सॉरी प्लेन को नहीं इस रेक्टेंगुलर एक्सिस को. सपोज करो मैंने ये थीटा एंगल से रोटेट कर दिया अभी, ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर ही है, समझ रहे हो? हाँ सर. लाइन आपका स्टार्टिंग में यही था, लाइन तो वही चल रहा है कंटिन्यूस. तो इंटरसेप्ट चेंज हो गया ना, ये ए है This is A, this is B, this is ये हो जाएगा B dash, ये क्या हो जाएगा A dash. समझ गए यार, y axis पहले यहाँ पे था, y axis अभी इधर चला गया. Basically OB है A, OA है B. OB डैश है A डैश, OA डैश है B डैश. डन. तो ये आपको माइंड में होना चाहिए 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन A डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B डैश. हां 3D में ये प्लेन्स के लिए होता है, नोट कर लो इतना. क्लियर? यस सर. तो ये नोट कर लो एक बार, तब तक मैं देखता हूँ इसमें क्वेश्चन कहीं लाइन का इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन दिख रहा है क्या. ये रफ कर दें पूरा भी. हाँ सर होगा. वैसे प्रीवियस इयर्स में आ चुका है कई बार ये क्वेश्चन कि इंटरसेक्शन वाला लाइन फाइंड करो, इंटरसेक्शन से जो लाइन आता है वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, वो आ चुका है क्वेश्चन कई बार. सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे सारे क्वेश्चन. अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करो. दिस क्वेश्चन नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो एक बार. क्वेश्चन नंबर 12 नोट करो. इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द प्लेन दिस. इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द प्लेन दिस 2x minus y plus z minus 4 is equal to 0. मतलब इस प्लेन के अंदर एक लाइन एग्जिस्ट कर रहा है, समझ रहे हो? Which is perpendicular to the line whose equation is this? ठीक है, तो एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, उसके परपेंडिकुलर है. ठीक है, एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड पाई. मतलब बेसिकली आपको एक लाइन फाइंड करना है, वो लाइन इसके परपेंडिकुलर भी है और वो लाइन इस प्लेन में लाई कर रहा है. क्या करोगे बताओ? लाइन को लैम्डा के इक्वल कर देंगे. इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल लोगे इजीली. इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे ऋषिकेश, तुम बताओ? रुचि के सुन रहे हो तुम? हाँ सर, लाइन को लैम्ब्डा के इक्वल फिट करें. फिर आगे रुचि के जाके कुछ बोल रहे हो? तुम्हारा माइक वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है? चलो कोई बात नहीं, है ना, अच्छी बात है. तो यार ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन कैसे फाइंड करते हो. आदित्य बल्लाल कैसे फाइंड करते हो? जैसे इसको लैम्डा के इक्वल पुट कर दो. करेक्ट है, आगे बताओ. फिर वो पॉइंट लिखो 2 लैम्डा x y z की को, और उसको किधर पुट कर दोगे? प्लेन में. प्लेन में, प्लेन में. हां, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस y के प्लेस पे कितना आएगा? माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 z के प्लेस पे कितना आने वाला है? माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 2 लैम्डा लेफ्ट और माइनस लैम्डा, यानी कि जस्ट लैम्डा. लैम्डा 4 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 3 5 माइनस 4 1 माइनस 2 यानी कि 2 मेरा तो हो गया है प्लस 1 इज इक्वल टू 0. लेफ्ट इज इक्वल टू अरे मैंने बोला था कि कौन सी बुक है, मतलब बुक खोल के दिया ना भैया ने क्वेश्चन बुक में. लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1. पॉइंट क्या आ रहा है? 1, 3, 5. डन. अभी बताओ उस लाइन का डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट से. हाँ करेक्ट है. देखो एक्चुअली जो आपको लाइन फाइंड करना है ना, वो इस प्लेन में लाई कर रहा है, बेसिकली प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में गिवन है आपको. हो गया? हाँ. ठीक है.
करो फाइंड करो क्रॉस करो इसको टू माइनस वन 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 माइनस वन माइनस टू सो दिस इज क्लियरली माइनस टू प्लस वन सॉरी टू प्लस वन थ्री आई कैप माइनस फोर माइनस वन यानी कि प्लस फाइव जे कैप माइनस टू और प्लस वन माइनस के कैप सो आंसर इज एक्स माइनस वन अपॉन थ्री y minus 3 upon 5 z minus 5 upon minus 1 the answer samajh mein aaya simple सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज मैच करोगे यार है ना क्योंकि पॉइंट मैच नहीं होता है डायरेक्शन रेशियोज ही मैच कर पाते हैं हम लोग तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है सी पॉसिबल डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी सिंपल क्वेश्चन था ठीक है नोट कर लो यार ये क्वेश्चन तो नोट किया होगा आप लोगों ने ये रफ करता हूं हाँ सर अच्छा जैसे क्वेश्चन ये भी इसमें क्वेश्चन नंबर 15 रीड करो एक बार क्या लिखा हुआ देखो क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ प्लेन अच्छा ये रफ कर दो कभी बताओ ये रफ कर दो अभी हां सर क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी लिख लो यार क्योंकि हम लोगों ने लाइन के इमेज फाइंड किए थे प्लेन का इमेज फाइंड नहीं किया था प्लेन का नहीं किया था ठीक है ये क्वेश्चन भी लिख लो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द प्लेन दिस इन द प्लेन दिस यार ये सब सॉल्व कर लेना लिटरली तुम्हारा इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा ना बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा सर कल और परसों डिस्कशन होगा ना कल और परसों प्रैक्टिस करेंगे पूरा शीट पूरा बुक खत्म करेंगे यार ये ठीक है सर आज को खत्म करते हैं कितना आज पूरा कर सकते हो आप बस अभी स्फीयर और है आधे घंटे में स्फीयर भी कंप्लीट हो जाएगा तो तब तक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर एग्जैक्ट ये स्टार्ट करते हैं देखो ये सब क्वेश्चन फाइंड आउट द इमेज ऑफ द लाइन इन दिस प्लेन तो कर चुके हैं सारे क्वेश्चन सुन लो अच्छा एक पॉइंट ये भी नहीं बताया था मैंने आपको फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स
बताता हूँ, इसको बताता हूँ, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई है ना यार, 2D लाइन और 3D प्लेन सेम चीजें होती हैं। हाँ सर बताइए। तीन प्रॉपर्टीज होते हैं, 2D लाइन और 3D लाइन नहीं, 2D लाइन और 3D प्लेन सेम फॉर्म में वगैरह होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ इमेज दिस इन द प्लेन दिस। तो बेसिकली एक प्लेन है ये, और ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक प्लेन है यहाँ पे, इसका इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। क्या फाइंड करना है आपको इसका? इमेज। क्या करोगे बताओ? अच्छा एक चीज क्लियर है, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर ये आ रहा होगा। खैर उस पॉइंट का यूज है नहीं यहाँ पे अभी, आपको ये फाइंड करना है। अच्छा देखो लाइन में कैसे किया था हम लोगों ने, याद करो, तो ये लाइन था और ये प्लेन था, आपने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया था। पॉइंट फाइंड कर लिया था और किस पॉइंट इस वाले लाइन पे प्लेन पे पॉइंट फाइंड करके उसका इमेज ले लिया था। लाइन पे पॉइंट फाइंड करोगे और उसका इमेज में पॉइंट इस प्लेन में इमेज फाइंड कर लोगे। इस प्लेन की इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ p1 प्लस लैम्ब्डा p2 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। बस इस प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिख दो, कोई भी पॉइंट बता दो मेरे को जो सेटिस्फाई करेगा इसको, बताओ। अरे कोई भी रैंडम बोल दो यार, 0 0 3/2 बोल दो। सही है ना? बस इसमें इमेज फाइंड कर लो और उसको इससे पास कर देना, लैम्ब्डा आ जाएगा। तो 0 0 3/2 एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस 3/2 अपॉन 1 1 and 1 1 1 and 1 is equal to image find कर रहे हैं minus 2 times point put करो यहाँ पे, तो 0 0 3/2 minus 1 1 upon under root नहीं आता। yes sir, a square plus b square plus c square, so point is minus 1 upon 3 कॉमा अगेन माइनस वन अपॉन थ्री, दिस इज माइनस वन अपॉन थ्री प्लस 3/2 सिक्स नाइन माइनस टू यानी कि 7 upon 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 7 upon
तो ये हो गया अभी x माइनस टू वाई प्लस टू जेड माइनस थ्री प्लस लैम्बडा x प्लस y प्लस जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से पास कर दो, कर देते हैं, रुको आंसर मैच करते हैं, तब थोड़ा बिलीव हो जाएगा लोगों को। तुम नोट करो, मैं लैम्बडा दिखा दूँ। लैम्डा इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे माइनस टू अपॉन थ्री। कंसेप्ट एप्लीकेशंस के आंसर गिवन होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते सर। होते हैं सर। लास्ट में क्या देख लेते हैं आपको। सर सिंगल्स हमारे बुकलेट की तरह है ना? कौन सा बुकलेट यार? जो हमें स्कूल में दिया गया है यार, वो मेरे को देखा नहीं। एक बार तुम्हारे पास पीडीएफ है तो मेरे को सेंड करना, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं सर, अभी तो एक वो फोटो क्लिक करके सेंड कर देना सर। वो एक बुक नहीं है मेरे पास, अभी दूसरी जगह पे। अच्छा, ओके ओके। समझ आ रहा है।
तो आंसर आ रहा है मेरा x माइनस 8y प्लस 4z माइनस 7 इज इक्वल टू 0. आप ये नोट करो, मैं आंसर चेक करता हूँ. दिस इज कंसेप्ट एप्लीकेशन 3.3 क्वेश्चन नंबर 15. पेज नंबर 407 है देखो, जो वहां से स्टार्ट है क्या? हाँ तुम चेक कर लो फिर, इतना तुमने कर ही लिया है तो सेम आंसर है क्या? दो मिनट. नहीं यार सेम नहीं है, वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज शायद दी नहीं है इसमें. वो आगे देखो. चलो ठीक है, सेम ही आंसर होगा, छोड़ो है ना, ये क्वेश्चन है और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन का. हाँ सर. ओके, इसमें वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है जो बता रहा था मैं आपको. ठीक है, बेसिकली हम लोग क्वेश्चन देखना चाह रहे थे कि टू प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन पास हो रहा है उसका इक्वेशन है ना, उसका एक क्वेश्चन. ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन वैसे. आदित्य बदलाल बोल रहा है एग्जैक्ट पेज नंबर 430. हाँ तो आदित्य, आंसर मैच हो गया? चलो तुम लोग देख लेना, इनमें क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चंस कई सारे. ठीक है सर. वैसे ये रहा क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन है वैसे यहाँ पे, ये रहा. फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइंस दिस इन सिमेट्रिकल फॉर्म, दिख रहा है? हाँ सर. सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है. यहाँ पे एक आंसर भी गिवन है. ठीक है, सॉल्व करो ये क्वेश्चन, सॉल्व करो. ये क्वेश्चन नोट करो एक बार, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन. तो डायरेक्शन रेशियो तो दो सेकंड में आ जाएंगे क्रॉस करके जस्ट. ध्रुव मंगल पूछ रहे हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का क्या मतलब है. आदित्य वल्लभ तुम बताओ, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? नहीं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. हाँ. क्या शो करता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर? दोनों पैरेलल है. पैरेलल.
अरे यार तुम क्या बोल रहे हो पागल आदमी, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर बोल रहा हूँ मैं, नॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। नहीं आया समझ? सर वो स्टार्टिंग में लिखा था हमने, स्टार्टिंग में पॉइंट लिखा था। स्टार्टिंग में क्या, कम से कम 5 टाइम्स लिख लिया ये, और 3D का स्टार्टिंग भी यहीं से किया था। इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर। और ये आपको वेक्टर्स में ही बताया था। चलो एक क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन है अभी 3.18 सॉल्व करो। एक मिनट, हाँ बोलो सर। DRR A4 -3 और 1। एक सेकंड, मैं रफ करता हूँ इसे पहले। हाँ सर, 4 -3 बना रहे DRR। अरे यार थोड़ा धीरे भाई, थोड़ा धीरे वॉइस धीरे रखो अपना। ठीक है, तो IJK 1, 1 -1, 2, 3 और 1। क्या DRR बोल रहे हो? 4 -3 और 1 दोनों इक्वेशंस में कोई भी चीज जीरो पुट कर दो, जेड जीरो पुट करो, एक काम करो देखते हैं कितना होता है। सर y-10 और x-13 आ रहा है। तो बेसिकली ये बोल रहे हो कि x-13, y-10 और z-0। सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक करते हैं। हाँ सर, हाँ सर कर रहा है। 13 2 जा 26 -30 और +4 कर रहा है सेटिस्फाई। तो ये आप रख दो यहाँ पे, करेक्ट है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है नहीं इस क्वेश्चन में, आंसर क्या गिवन है वो देखते हैं। देखो आंसर गिवन है ये, दिख रहा है? ज़ूम करूं इसको या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आ रहा है। पहले आप डिवाइड चेक करोगे, डिवाइड सेम है इसका। लेकिन यहाँ पे पॉइंट कुछ और है, क्या पॉइंट है यहाँ पे? 1, 1/4 और 13/4। क्या बोल रहे हो बेटा? -1/4 -13/4। अब इस पॉइंट को इस पे रख के चेक करो, x और y z की जगह पे, देखो सब सेम आता है नहीं आता है। या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, दोनों प्लेन्स की इक्वेशन में पुट कर दो, एक काम करो। ठीक है, प्लेन्स की इक्वेशन में पुट कर दो, बेस्ट रहेगा। प्लेन्स की इक्वेशन है दिस, एक्स प्लस वाई माइनस जेड -3 इज इक्वल टू जीरो एंड 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। पुट करो देखो क्या आता है, सेटिस्फाई करना चाहिए।
दिस इज माइनस वन अपॉन फोर प्लस 13 अपॉन फोर माइनस थ्री. सो क्लियरली थ्री माइनस थ्री सेटिस्फाई. यस सर. नाउ इसमें पुट करो तो ये हो गया माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस 13 अपॉन फोर प्लस फोर. तो माइनस फोर प्लस फोर ये भी सेटिस्फाई. डन. अपने वर्डिंग्स पे नोट करके लिख लो वहां पे. फर्स्ट चेक डी आर देन चेक पॉइंट. पॉइंट विल सेटिस्फाइज बोथ द प्लेन्स. नोट कर लो यार अपने वर्ड्स में. गलत मत करना आगे कभी फ्यूचर में. अपने वर्डिंग्स में नोट कर लो. फर्स्ट चेक डी आर देन चेक पॉइंट. पॉइंट विल सेटिस्फाई बोथ द प्लेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स. P1, P2. क्वेश्चन नोट हो गया. ओके देखो P1 का इक्वेशन है. R वेक्टर के प्लेस पे आप रखोगे x, y, z. तो P1 हो गया 2 माइनस 2y प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो. एंड पी टू इज 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू. सर दोनों आपस में पैरेलल है. 100% पैरेलल है तभी तो डिस्टेंस आएगा बेटे. इंटरसेक्ट ही करेंगे ना वो लोग. तो पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स जैसे पैरेलल लाइंस होता था वैसे ही. ये बता दो मेरे को कि इसको 4 में कन्वर्ट करना है या इसको 2 में. कुछ भी कर दो चलो चलता है. 4x माइनस 4y प्लस 4z सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0. आंसर विल बी c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 फिर से 16 और 4 ये आंसर है. नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. रफ करूं ये अभी मैं. हाँ सर. नेक्स्ट एग्जांपल. ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है इसलिए. प्लेन आर डॉट एन इज इक्वल टू डी. बेटा बताया था r dot n is equal to d होता है प्लेन का फॉर्म है ना. फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है देखना प्लेन के फर्स्ट. तो इसी का जब डॉट करते हो तो यू विल गेट ax plus by plus cz is equal to d. d को लेफ्ट में लेके आके माइनस d आता है. माइनस d को बाद में प्लस d लिख देते हैं. लाइन लाइन लिखो अभी आप.
r वेक्टर इज इक्वल टू r नॉट वेक्टर प्लस टी एन वेक्टर, फाइंड आउट इंटरसेक्शन पॉइंट. ऑप्शंस भी लिख लो तो तुम्हें थोड़ा फील आएगा कि वेक्टर फॉर्म में ऑप्शंस कैसे होते हैं. एक सेकेंड रुको, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. ओके ऑप्शन लिखो. ऑप्शन ए, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में. अच्छा एक बात तो, इन प्लेन और इस लाइन के बारे में कोई कमेंट कर सकते हो आप? कुछ नेचर समझ में आ रहा है दोनों को देख के? दोनों परपेंडिकुलर नहीं है एक्चुअली. लाइन का जो डायरेक्शन है, देखो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, आर नॉट से. और लाइन का डायरेक्शन है एन, और लाइन का डायरेक्शन है एन. और इस प्लेन का नॉर्मल भी क्या है? एन. तो बेसिकली परपेंडिकुलर टू प्लेन. परपेंडिकुलर टू प्लेन. सिंगे सॉल्व कर लेना, ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहां पे, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं. ओके स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. क्लियरली लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. प्लेन तो बेसिकली आपको जस्ट ये पॉइंट फाइंड करना है. अगेन यार सिंपल सा कंसेप्ट है, लाइन की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. सपोज करो परपेंडिकुलर ना होता तब भी आप उसको लैम्ब्डा पुट करते हो आर वाली इक्वेशन को. लैम्ब्डा की फॉर्म में आपका एक्स वाई जेड आ जाता है, उसको उसमें सेटिस्फाई कर देते हो. तो देखो वही चीज है, वही चीज है. आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ये है प्लेन, ये है लाइन. तो आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस लैम्ब्डा एन. तो बेसिकली आपको जस्ट लैम्ब्डा फाइंड करना है. लैम्ब्डा तो फाइंड होता है प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर. तो ये यहाँ पे हो गया आर नॉट प्लस लैम्ब्डा एन डॉट एन इक्वल टू लैम्ब्डा इज इक्वल टू डी माइनस आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन डॉट एन, यानी एन का आंसर आ गया. क्वेश्चन खत्म. आर वेक्टर क्या आ गया बोलो? आर नॉट प्लस लैम्ब्डा एन. सिद्धराम मिश्र कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं समय से? ऑप्शन सॉरी करेक्ट आंसर नोट कर लो. हो गया.
रफ करते हैं इसको अभी। अगेन यार परपेंडिकुलर नहीं होते तो भी ये आंसर आता, परपेंडिकुलर को यूज हुआ ही नहीं ना यहाँ पे। हाँ सर सिंपल है, और क्या, हटाता हूँ इसको भी, रफ करता हूँ। सो ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर। रिया एनी डाउट? नो सर। चलो इसको रफ करते हैं ना। नेक्स्ट एग्जांपल, यार ये क्वेश्चन तो तुम लोग कर सकते हो ना। ए वेक्टर गिवन है आपको आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर गिवन है टू आई कैप माइनस के कैप। फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस एल वन आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए एंड एल टू आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है आपको, पहले तो इनको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से लिखे हैं, और फिर इनका क्या फाइंड करना है आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको देखे यार कुछ तो तुम्हें माइंड में आता होगा, ये मैंने कई बार यूज किया ये वाला एक्सप्रेशन। हाँ सर, इसको इस तरफ लाके हम कॉमन लेके करते थे। बिल्कुल सही है सिद्धराज, क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धराज, सिद्धराम, सही है। ठीक है, तो ये हो गया आर माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स डेफिनेटली क्या होने चाहिए, पैरेलल। पैरेलल आर माइनस बी इज इक्वल टू लैम्बडा, आर इज इक्वल टू बी प्लस लैम्बडा। ये लाइन है जो बी वेक्टर से पास हो रही है और ए के पैरेलल है। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो अगेन आर क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, सो आर माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, सो आर माइनस ए इज इक्वल टू म्यू बी। R is equal to mu b. तो देखो L1 का इक्वेशन क्या आ गया है, R वेक्टर is equal to b वेक्टर, यानी कि 2i cap minus k cap plus lambda a plus lambda i cap plus j cap i cap plus j cap प्लस टू न्यू प्लस न्यू आई कैप माइनस के कैप और फोर इंटरसेक्शन आई सेम जे सेम के सेम जे सेम और के शुड बी सेम। सपोज करो आई और जे से लैम्बडा और म्यू फाइंड करने पे के सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब वो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हां कंपलसरी होना चाहिए, टू लाइंस है तो देख लेते हैं। लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा, वेरी गुड, राइट साइड 1 प्लस j बोलो 1 प्लस 2 म्यू लैम्बडा माइनस 1 नहीं बेटे जस्ट लैम्बडा ही आ रहा है ना, हां सिर्फ लैम्बडा। हां और यहां पे कितना आ रहा है, सिर्फ 1 j 1 आएगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू 1 बाय 1 1। हां के कैप देखते हैं सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, के कैप कितना आ रहा है लेफ्ट साइड L1 में, के कैप कितना आ रहा है माइनस वन, माइनस वन क्या आ रहा है माइनस म्यू, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन सेटिस्फाई। फाइनली लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एंड म्यू इज इक्वल टू 1। इंटरसेक्शन पॉइंट आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, सपोज करो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो 2i प्लस 3i कैप माइनस के कैप
करेक्ट है, नोट करो। ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बोलो, अभी रफ करूं इसको अभी मैं तो। हाँ सर, ये इक्वेशन आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट था, ये मैंने आपको बोला था, देखो कई बार इस तरीके से आता है तो आपको माइंड में होना चाहिए ये। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्वेश्चन रिक्वायर, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अ वेरिएबल प्लेन, अ वेरिएबल प्लेन फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रॉन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम 64 के क्यूब। विद द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द ओरिजिन। टेट्राहेड्रॉन प्लेन के बाद क्या बोला? एक सेकंड मैं लिखता हूं क्वेश्चन को। अ वेरिएबल प्लेन मेक्स, एक सेकंड, मेक्स अ टेट्राहेड्रॉन या फॉर्म भी लिख सकते हो ऑफ वॉल्यूम 64 के क्यूब विथ कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड ओरिजिन। फाइंड आउट लोकस ऑफ सेंट्रोइड। Of tetrahedron. अब तुम लोगों को यार ये याद होना चाहिए कि जो tetrahedron था उसका वॉल्यूम आता है 1/6 times. Correct. 1/3 उसका फैक्टर और ट्रायंगल है इसलिए 1/2. बिल्कुल, तो सपोज करो जो क्या बोलते हैं प्लेन का इक्वेशन है दिस, x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1. ये हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे,
सही बात है। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन वही है एक्चुअली यार, आपको करवाए थे ना ऐसे क्वेश्चंस, सेंट्रोइड का लोकस फील्ड, ये तो वही पॉइंट है। ये पॉइंट क्या आ गया, a कॉमा जीरो कॉमा जीरो, दिस इज जीरो कॉमा b कॉमा जीरो, दिस इज जीरो कॉमा जीरो कॉमा c, और एक पॉइंट ये रहा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से, एक मिनट, हाँ बेस्ट है। सपोज ये पॉइंट है जीरो जीरो जीरो, ए जीरो जीरो, जीरो बी जीरो और जीरो जीरो सी। आपको कोई भी थ्री टर्मिनस को टर्मिनस वेक्टर्स लेने होते हैं, तो सपोज करो एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, कोई डाउट? यहां से क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को माइनस में जस्ट जीरो करना पड़ेगा, इसलिए तो वॉल्यूम आ गया 1/6। दिस वेक्टर ए आई कैप, दिस वेक्टर बी जे कैप और दिस वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप और सी, ठीक है, ये आपको 64। ठीक है, अगेन अगेन ध्यान रखना मॉड जरूर अप्लाई कर देना है ना। हाँ, ये हो गया प्लस माइनस के क्यूब 64 इंटू 6 यानी कि 384, और ये हो गया ए आई कैप क्रॉस बी जे कैप डॉट पी के कैप, ए क्रॉस बी डॉट सी, और ये आ जाएगा फाइनली एबीसी। इसका मतलब एबीसी आ गया आपका प्लस माइनस 384 क्यूब। ठीक है, अभी आते हैं सेंट्रोइड पर। तो सपोज करो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट्स है HKP, ये टेट्राहेड्रॉन की बात कर रहे हैं, तो सिद्धरामेश्वर H क्या आने वाला है बोलो? A/3 आपको क्या एलिमिनेट करना है यहाँ से? एबीसी इन टर्म्स ऑफ एच के पी, बिल्कुल सही है, तो सही है, हो गया क्वेश्चन सर। और क्या एक प्लेस पे ये रख दो, बी के प्लेस पे ये रख दो, सी के प्लेस पे ये रख दो, तो ये हो गया 4H, 4K, 4P is equal to this, यानी X, Y, Z is equal to 444, यानी कि 64. 84 और 64. हाँ, तो क्या आंसर आ जाएगा यार? 64, 6 ही आ गया बेसिकली। तो HKP is equal to plus minus 6K cube. करेक्ट है? हाँ सर। फाइनली HKP के प्लेस पे क्या पुट कर दो? XYZ। XYZ, हाँ। XYZ is equal to plus minus 6K cube. ये आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। बाकी और किसी को कोई डाउट है तो पूछो यार, काफी लोग हैं यहाँ पे, कोई कुछ पूछता ही नहीं है। सर्वेश पांडे को तुम तो कर हो यहाँ पे, तुम तो ज्यादा हो एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, अनिल तो कोई डाउट है तुम्हें? तो शिकेश कोई डाउट है तो पूछ लो बेटे। मंगल कोई डाउट?
सिंपल क्वेश्चन है। तो ये नोट कर लो यार, ये हो गया, प्लेन कंप्लीट हो गया आपका, बस और क्या है। अब स्पीड चालू करेंगे सर, क्या चालू करेंगे? हाँ स्पीड चालू कर लेते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा स्पीड पूरा। रफ कर दूं पूरा? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट इज स्फीयर। देखो स्फीयर क्या होता है ना, सर्कल का ही थ्री शेप होता है बेसिकली। सपोज सेंटर ऐसा x1 y1 z1 या अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, रेडियस है r, तो डेफिनेटली आप इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, जैसे सर्कल में लिखते थे सेम वैसे ही, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस एक फॉर्म इसका ये भी लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जैसे वहां पे आता था 2gx वैसे ही 2gx प्लस 2fy प्लस एक और लिख देते हैं 2pz प्लस k इज इक्वल टू 0। तो वहां पे सेंटर क्या होता था बोलो? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो सेम यहाँ पे माइनस जी कॉमा माइनस एफ कॉमा माइनस पी। रेडियस क्या होती थी? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी लिख लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। एक्स इंटरसेप्ट सर्कल में क्या होता था बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बताया था, अंडर रूट जी स्क्वायर टू रूट जी स्क्वायर माइनस सी। वाई इंटरसेप्ट टू रूट रूट एफ स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर माइनस जेड इंटरसेप्ट टू रूट पी स्क्वायर माइनस सी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई और जेड जीरो पुट कर दोगे। एक होता है डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म का भी यूज करते हैं जब डायमीटर गिवन होता है आपको। हाँ इस तरीके से, तो ये पॉइंट है x1 y1 z1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2 z2, तो इक्वेशन क्या है? x माइनस x x माइनस x1 इनटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y माइनस z माइनस z1 z माइनस z2 सर्कल में z वाला क्वेश्चन नहीं आता इज इक्वल टू 0। नोट करो बस, ये स्फीयर की थ्योरी हो गया, दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट। तुम सब लोगों का 30th के बाद क्या प्लान है, कहीं जा रहे हो बाहर घूमने? मैं तो नहीं जा रहा हूँ।
वैसे तो जा तो कहीं भी नहीं पाओगे, फिर भी किसी को स्पेशली कोई शौक है तो हो सकता है। क्या डायग्राम कितना बढ़िया बनता है ना, देखो इसमें फील आता है एकदम। ठीक है, क्वेश्चन है अभी, ये नोट हो गया होगा पूरा थ्योरी? हाँ सर। तो क्वेश्चन ये है अभी कि आपको, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ यार, है ना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस क्लियरली ये स्फीयर ही है, टचेस दिस प्लेन। तो क्या करोगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से और इसकी एक्सपेंड करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू रेडियस। सेंटर कितना है इसका, सेंटर बोलो 1.1 हाफ और साइन चेंज, हाफ और साइन रेडियस 1.1 रेडियस कितना है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब इन सबके स्क्वायर्स करने होते हैं आपको। माइनस यानी थ्री रूट थ्री अप्लाई कर दो अभी यहाँ पे, पी इज इक्वल टू आर आर, ठीक है, तो इज इक्वल टू थ्री और पी, पी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 1 1 1 पुट करो यहाँ पे, तो ये हो गया 3 माइनस रूट 3 के अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, समझ में आ गया होगा? ठीक हो गया क्वेश्चन। तो देखो यहाँ से रूट 3, अरे यार ये रूट 3 कॉमन और ये रूट 3 कैंसिल, तो दिस इज रूट 3 माइनस के का मॉडुलस इज इक्वल टू 3, यानी रूट 3 माइनस के इज इक्वल टू प्लस 3 और माइनस 3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लगाना मत बोला यार, है ना, वरना तुम्हारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे। तो एक तो मिलेगा आपको रूट थ्री माइनस थ्री और एक मिलेगा रूट थ्री प्लस थ्री। सिंपल क्वेश्चन था। मैं थोड़ा इसलिए फास्ट कर रहा हूँ ताकि जितने क्वेश्चंस मेरे को करवाने हैं इस चैप्टर में वो हो जाए सारे। प्रैक्टिस तो तुम करोगे घर पे सभी लोग, मेरे को विश्वास है तुम लोगों पे, सिद्धराम मेरे को ट्रस्ट है तुम लोगों पे, इसे सुन के तुम्हें क्या लगता है बताओ, तुम खुद बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, मैं तुम लोगों से पूछ रहा था, तुम लोगों का क्या प्लान है आफ्टर 30th, तुम लोगों ने बोला नहीं कुछ। सर शीट सॉल्व करना जितना पेंडिंग, मतलब वही घिसी पिटी जिंदगी तुम्हारी, मतलब वही पेंडिंग है जो देखते हैं। नेक्स्ट ये हो गया होगा समझ में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्मड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस स्फीयर, क्लियर? पता बस मेरे को ये बताओ कि प्लेन और एक इस सर्कल स्फीयर का जो इंटरसेक्शन होगा उसे क्या बन रहा होगा, एक सर्कल, एक सर्कल बनेगा डेफिनेटली यहां पे। तुम्हारे पास बॉल होगी अंदर पे, हां काट दो, छोटे भाई के पास होगी, उससे बॉल छीनना और उसको ऐसे नाइफ से कट कर देना, कट कर दो, ठीक है। तो इसका रेडियस फाइंड करना है आपको इस सर्कल का, तो बहुत सिंपल है, इसका रेडियस तो आपको पता ही है, कितना रेडियस है, नहीं? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो, तो सिंपल है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखो 0 0 0 पुट करो वहां पे, तो 7√14 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 4 और 1, तो ये कितना आ गया 7 14 7, हां तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 49 माइनस 49।
यानी 4√2 नेक्स्ट या वेक्टर और 3D के वेक्टर्स के सारे लेक्चर्स मैंने ग्रुप पे अपलोड किए हुए हैं, तुम लोग वो देख सकते हो। 3D के टोटल 5 लेक्चर्स हुए हम लोगों के, जिनमें से 2 अपलोड किए हुए हैं, 2 और कर दिए एक्चुअली, आज सारे कर दूंगा। तो तुम लोगों को कोई डाउट है तो वहां पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है? ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू पॉइंट दिस 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 and center lies on this plane. क्या करोगे बताओ? सर प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा हर तरफ तीनों पॉइंट से, तो नहीं होगा बेटा। प्लेन में क्या हर जगह पे पॉइंट होते हैं क्या? एक ही जगह पे होता है ना पॉइंट? तो बेसिकली आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जस्ट एक काम ये कर सकते हो कि इक्वेशंस बना लो, यहाँ पे 4 इक्वेशंस बन जाएंगी टोटल। इसको सेटिस्फाई करना, इसको सेटिस्फाई करना, इसको सेटिस्फाई करना। सेंटर है माइनस जी माइनस एफ माइनस पी, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कर देना, 4 इक्वेशंस आ जाएंगे, उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है? 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल, ये चेक करूंगा यार मैं कल तुम लोगों का क्या आंसर आ रहा है इसमें। तो इसको सॉल्व करके आना, सिंपल है। तो आपका सब कुछ आ जाएगा, एक्स वाई जेड सॉरी जीएफपी आ जाएगा। चलो यार मैं बता देता हूँ, देखो फाइनली आंसर इसमें ये आता है, बाकी तुम लोगों की ऑनेस्टी वाली बात है, तुम लोग अपने आप से करते हो नहीं करते हो, ये निकल के आता है इसका फाइनल आंसर ये। सर ट्रस्ट है ना हम पे, हम करके आएंगे। हाँ यार सर, तुम्हारे ट्रस्ट तो है तुम लोगों पे। डन सर, ओके। और तुम्हारे नए प्रिंसिपल आ गए यार, सुनने में आ रहा है मेरे को। हाँ सर, सर हमने भी सुना, क्लास में थे ना वही थे। अच्छा ओके, तो क्या कुछ कह रहे थे बताओ, कुछ तो बोलो, क्या बोला उन्होंने? कुछ हुआ तुम्हारे इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ हुआ उनसे? नहीं सर, सर हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। सर सुनने को है 15 तारीख को मैम बुलाने वाली है। किन्हें? बच्चों। हाँ 15 जून को। हाँ ओके ठीक है, देखते हैं। बाकी के स्कूल भी शुरू हो रहे हैं कोल्हापुर में। हाँ हो रहे हैं सर, देखते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है? हाँ सर।
चलो यार, ओके बाय, है ना, बाय सर।